हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है संडे की सुबह और संडे का मतलब बहुत सारा फंडे। लेकिन फंडे वंडे कुछ नहीं होता है, जो वर्किंग होती है ना लेडीज, उनके लिए कोई संडे वंडे नहीं होता। क्योंकि सुबह उठते या तो शाम को ही मशीन लगा दो कि चलो सुबह के लिए कुछ काम निपट जाएगा, नहीं तो सुबह उठते के साथ ही एक तरफ मशीन लगाओ, एक तरफ नाश्ता बनाओ, एक तरफ डस्टिंग करो। क्योंकि आज संडे है तो अच्छे से डस्टिंग भी करनी है, घर की सफाई कोने कोने में अच्छे से हो जाए, क्योंकि डेली तो इतने अच्छे से हो नहीं पाती। तो बस वही सब कर कर आके मैं भी जल्दी से नहा धो के रेडी हो गई हूँ, देख सकते हैं आप लोग। मैंने बिल्कुल सिंपल ही साड़ी बांधी है क्योंकि हॉस्पिटल में जाना है और आज है हमारा एक सेमिनार जिसमें हमारी एवीएसएस की पूरी टीम जा रही है। और वो जो कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारा सेमिनार, वो रखा गया है सर्वोदय हॉस्पिटल में, उसमें सब लोग जा रही हैं। तो मैंने सोचा, मतलब इतना अच्छा सेमिनार है कैंसर के बारे में, तो हम लेडीज को तो जरूर जाना चाहिए। तो मैं भी चलती हूँ और देखती हूँ वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या डॉक्टर से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है और क्या क्या हमें नॉलेज मिलती है। लेकर जो नॉलेज मुझे मिलेगी वो मैं वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी जो जो अपनी लाइफ में मेरे, मैं जहां जहां जाती हूँ, जो जो प्रोग्राम होता है, जो 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 कीर्तन से लेके पूजा पाठ भी, मैं सब कुछ दिखाती हूँ, सब कुछ शेयर करती हूँ। क्योंकि हर चीज में कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है, हम कहीं भी जाएं। तो आज हमारा हॉस्पिटल में प्रोग्राम है, तो चलिए हॉस्पिटल। आई एम अ प्रीवियस कंसल्टेंट ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट इन सर्वोदय हॉस्पिटल। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम अग्रोवा, एमएमसी अग्रोवा, एंड माय एमएस फ्रॉम एमएस जनरल सर्जरी फ्रॉम पीजीआई रोहतक। Then I did my senior residency from Lady Harding Medical College, Delhi. And then I did my fellowship, my specialization is in breast oncology. I did my fellowship from RGCI, Rajiv Gandhi Cancer Hospital, Delhi. And then I was working before coming here as consultant in Rajiv Gandhi Hospital only. Then I started my own clinic also, as only breast clinic, specialized breast clinic in Rohini area. Then we shifted to our hometown. This National Cancer Awareness Day, on 7th November. So this mainly focuses on the early detection of cancer. The theme is early detection. And second part is that first you should be aware, and then you should taught other people also about that. What is awareness? What are the early signs and symptoms? What are the warning signs, symptoms? And when we should consult the doctor for these symptoms. So I mainly focus on the breast cancer today. So, what is this education awareness? You know better than me what is education. So, we should aware, and then we should aware others also about the symptoms. So, we are health conscious, we do yoga, we do walk. So, we should also know about the cancer symptoms also. So, breast development and changes. मैं पहले कुछ breast का normal development कैसे होता है, क्या parts होते हैं, थोड़ा सा वो बताना चाहती हूँ. एज रिलेटेड होता है, नॉर्मल ब्रेस्ट बर्ड होता है वो फीटस में ही होता है, मतलब प्यूबर्टस फीटस में ही होता है। उसके बाद एज के साथ चेंजेस शुरू होते हैं। तो प्यूबर्टल एज में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मेनली प्यूबर्टल एज में होता है, 11 टू 14 इयर्स, 15 इयर्स में। तो ब्रेस्ट के टू पार्ट्स होते हैं, डक्टल पार्ट जिनसे मिल्क सिक्रीशन होता है, जो लैक्टेशन में बेसिकली हेल्प करता है। फिर फैटी पार्ट, जो डक्ट्स के बीच में फैटी पार्ट्स होता है, लिगामेंट्स होते हैं जो ब्रेस्ट को डक्ट्स को होल्ड करके रखते हैं। तो ट्यूमर कैन अराइज फ्रॉम बोथ द पार्ट्स, डक्टल पार्ट और ये फैटी पार्ट आल्सो। ये दो पार्ट्स मिलनी है। अब तो कैंसर बेसिकली होता क्या है, कैंसर में क्या है, नॉर्मल ग्रोथ क्या होगी, सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ होती है कि एक से दो सेल, दो से चार सेल, बट एक लिमिट होती है, उसके बाद ग्रोथ इज स्टॉप। बट कैंसर में एक अनलिमिटेड ग्रोथ होती है कि वो रुक नहीं रही, एंड सेल्स आर कंटिन्यू टू ग्रो। ब्रेस्ट कैंसर में भी वही है कि डक्टल सेल्स जो है दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड दे प्रेजेंट फाइनली एज ट्यूमर, एक ग्रोथ, एक गांठ जैसा फील होने लगेगा। बट देयर आर अदर सिम्टम्स आल्सो, मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है लंप, की गांठ फील होगा ब्रेस्ट में। पहले हम मानते थे कि सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, बट अभी ये एक शिफ्टिंग हुई है कि ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस ज्यादा बढ़ गया है, एंड सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर था उसका इंसिडेंस कम हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया है। एंड दूसरा, यंग फीमेल्स में भी डिटेक्ट हो रहा है आजकल ब्रेस्ट कैंसर। तो उसका मेन कारण हम कह सकते हैं कि ये है कि प्रेगनेंसी लेट होती है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते, बिकॉज हम बोलते हैं कि
प्रेगनेंसी होना प्रोटेक्टिव होता है एंड फर्स्ट चाइल्ड बर्थ बिफोर एज ऑफ 30, 30 साल की उम्र से पहले अगर फर्स्ट बेबी का बर्थ होता है तो दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव, और ब्रेस्ट फीडिंग कराना वो भी प्रोटेक्टिव है। तो ये सब चीजें थोड़ा कम हो गया है। दूसरा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड फैटी डाइट, जो फास्ट फूड और बाहर का जो खाना इनटेक जो बढ़ गया है, ये दोनों मोस्ट कॉमन हम कारण मानते हैं। इंसिडेंस एंड मॉर्टेलिटी, तो हम अभी मानते हैं कि 2018 में 1.1 मिलियन टोटल कैंसर केसेस 1.1 मिलियन डिटेक्ट हुए हैं, और ब्रेस्ट कैंसर की जो मॉर्टेलिटी है वो इंसिडेंस जो है हमारे कंट्री में कम है, डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा है, बट मॉर्टेलिटी हमारे कंट्री में ज्यादा है। इट इज अराउंड 34% जो ब्रेस्ट कैंसर से मॉर्टेलिटी है, 34% के अराउंड है। वो क्या कारण है? क्योंकि हमारा लेट एज में प्रेजेंट करते हैं, ये लेडीज है, फैमिली में बिजी है, अपने काम में बिजी है, अपने अपने हेल्थ को वो इग्नोर करते रहते हैं कि हाँ थोड़े दिन में दिखा लेंगे, क्योंकि दर्द नहीं होता, गांठ है सिर्फ, वो उसको इग्नोर करते रहते हैं। जो बाद में जब स्किन में चेंजेस आ जाते हैं, गांठ बड़ी हो जाती है, तब वो आते हैं। वो एडवांस स्टेज में ट्रीटमेंट करना इज लिटल डिफिकल्ट, वो हम इसीलिए हम अर्ली डिटेक्शन पे जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली दे फोकस ऑन अर्ली डिटेक्शन, कि कोई भी सिम्टम हो, छोटी सी गांठ लगे, कुछ भी दिक्कत लगे, तभी तुरंत आके हमें दिखाना चाहिए। ये तो आपको हो गई कैंसर। फिर ब्रेस्ट में अगर गांठ भी है तो उसमें 80% गांठें नॉर्मल होती है। अगर 100 लेडीज को गांठ है तो उसमें 80% नॉर्मल होती है, सिर्फ 20 में ही कैंसर होता है। दूसरा, फिर क्यूरेबल नहीं है। क्यूरेबल स्टेज पे डिपेंड करता है कि क्योर पॉसिबल है कि नहीं है। अगर स्टेज 1, 2, और 3 है तो उसमें पूरा क्योर रेट है, ट्रीटमेंट पूरा होता है। स्टेज 4 में हम सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा, हम आजकल ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी पे फोकस करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट पे लाइफ में कोई चेंज नहीं आता, सर्वाइवल बहुत अच्छा है। तो बेसिकली हम यही चाहते हैं कि पेशेंट का बाद में साइकोलॉजिकली, क्योंकि एक फीमेल के लिए पूरा ब्रेस्ट निकलना डेफिनेटली पेशेंट के लिए बहुत ही म्यूटिलेटिंग है। 1:35:1 का रेशो है, मेल में भी हो सकता है। फिर की अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं गांठ के अलावा, जो भी हमने डिस्कस किया। 50% जीन्स मदर से होते हैं, 50% फादर से, तो दोनों की ही फैमिली हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। अगर दोनों की ही फैमिली में किसी को हिस्ट्री है तो वो हमें चेक करना है। कि कैफीन से, कॉफी पीने से ब्रेस्ट कैंसर होता है, या पाउडर लगाने से होता है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं पूछते हैं मैडम मैं तो पाउडर लगाते थे उससे तो नहीं हो गया। उनसे कोई रिलेशन नहीं है पाउडर और कैफीन से। तो बेसिकली आज जो हमारा ये थीम था, इसका ये था कि अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? कि पहला, कि वजन हमें अपना कंट्रोल रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, बैलेंस्ड डाइट लेनी है, कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आवर डाइट शुड बी रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव, अवॉइड अल्कोहल। सो मैसेज इज दैट ब्रेस्ट कैंसर कैन बी क्योर्ड इफ डायग्नोस्ड अर्ली। तो जल्दी अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो पूरा क्योर पॉसिबल है। तो ये मैं आज ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, मेरा यही मैसेज है कि हमें आज खुद को, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको मैसेज दिया मैंने, ताकि वो आगे भी अपनी फैमिली में सबको बता सकें। कि एक जब बंदा 10 लोगों को बताएगा तो वो हमें मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुजाता, डॉक्टर सुमित एंड डॉक्टर कपिल केरन फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दैट यू गेव अस। You shared a great knowledge about the cancer, not only the breast cancer. We asked so many different questions regarding other cancers also, and it was really valuable information that gave you to us. It will really help us a lot. We have already crossed the age of 40, otherwise I would become the first one to take that vaccine that you were recommending to us. The most important thing when we are comfortable, doctors have arranged according to our dates, और कपिल जी ने तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया। थैंक यू सो मच मैम, नाकुल मैम एंड यू, आप यू हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू नो टू सेलेक्ट एंड फर्स्ट इंटरेक्ट विद यू मैम। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू मीट सर फॉर अस आल्सो। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल सुमित जी एंड सुजाता जी, प्लीज कम हियर। दोनों को
सात नवंबर को कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। यहाँ पर हमारी पूरी टीम जो है वो ज्ञान लेके आ रही है कैंसर का और सुरुचि मैम सबको बांट रही है। हेलो और हम लिफ्ट से नहीं जा रहे, हम स्टेयर से जा रहे हैं। और समोसे खाए थे ना, थोड़ा सोचा की मतलब सारा अभी हो जाएगा हमारा वेट तो। हम कह रहे हैं कि जितने भी डिजीज से बचना चाहते हो तो योगा और एक्सरसाइज करो, तो हमने यही अमल कर लिया, यही शुरू कर दिया। और सुबह करनी है तो मेरे पास आ जाना। हाँ सुरुचि मैम के पास। अब ये किधर जा रही है ये तो देखो, मैं कैमरा घुमाया जा रही हूँ। खो गए हॉस्पिटल में, आज हम आए हुए हैं, आज हम आए हुए हैं और बहुत अच्छी नॉलेज दी है हमें मैम ने, बहुत अच्छी नॉलेज दिया है जिसकी जरूरत थी। सभी लेडीज को और गर्ल्स जो भी ये वीडियो देख रही है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। और मैं करते करते आ रही हूँ सीढ़ियों से और मेरे ना पैर ऐसे हुआ जैसे मैम भी आ रही है, पीछे पीछे मैम भी आ रही है, पीछे पीछे सारी पूरी टीम आ रही है हमारी। देखो भाई ममता घाटी मैम को देख के जरूर सब मोटिवेट होंगे, हमारे ग्रुप में बिल्कुल सेम यही है, उसे देखती शपथ भूल जाती है। पर ममता मैम फिर भी पतले है, मैं तो फिर थोड़े ऐसा हूँ भाई, गोल मटोल झूठ थोड़ी नहीं हूँ, ज्यादा ही हूँ। तो मैं आ गई हूँ कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में से, और ये ना प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाला रहा। ये जो प्रोग्राम था हमारा सर्वोदय हॉस्पिटल में था, और जितनी भी लेडीज देख रही हैं, लेडीज जेंट्स सबके लिए नॉलेज वाली है। अगर जेंट्स इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी मतलब नॉलेज लेंगे, और अपने घर में जो भी उनकी मम्मी हैं, बहन हैं, कोई भी है, तो उनको कैंसर से कैसे बचना है या कैंसर के क्या लक्षण है वो बता सकते हैं। मतलब नॉलेज तो नॉलेज है, कोई भी किसी को दे। तो बस हम उसी प्रोग्राम से आई हूँ, और डॉक्टर मैम थी, उन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दी और बहुत अच्छे से स्क्रीन पे चला रही थी एक तरफ, मतलब जैसे बच्चों को पढ़ा के समझाया जाता है ना, बिल्कुल ही वो चल रहा था और वो एक तरफ बता रही थी उसी के बारे में, तो बहुत अच्छे से हमें भी समझ आई है। लिए डेट लेके आई हूँ क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई है ना, तो डेट्स जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो मुझे लगता है डेट से अच्छा कुछ भी नहीं है, कुछ हेल्दी हो जाए। और आज ही मैम ने बोला है वेट कंट्रोल करना चाहिए और एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, तो एक्सरसाइज तो जैसा आप सबको पता है, मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज तो मैं जरूर करती हूँ, वो नहीं छोड़ती हूँ, और उसी का नतीजा है मैं पूरे दिन इतनी एनर्जी के साथ काम कर लेती हूँ, क्योंकि एक दिन भी मेरी एक्सरसाइज छूटती है ना तो मुझे उस दिन ऐसे लगता है कि मेरी शरीर बिल्कुल भारी भारी लगती है मुझे खुद को। तो मेरे मोटापे में मत जाना आप लोग, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ और बहुत फिट हूँ अभी। जो मेरा गिववे क्वेश्चन अब है, अब थोड़ा सा मैं उसको टफ बना रही हूँ, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा सिंपल मैंने किया था, अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी नॉलेज वाला बना रही हूँ और थोड़ा सा मुश्किल वाला, थोड़ा सा मुश्किल है बना रही हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल सिंपल वाला नहीं पूछ रही हूँ आजकल मैं। तो आज का जो ये क्वेश्चन है, कैंसर अवेयरनेस डे कौन सी डेट को मनाया जाता है, मतलब कैंसर जागरूकता दिवस भी कह सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े और मेरा भी बढ़े। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो अपने वीडियो में मैं जरूर पहले बताऊंगी उसको, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन का आंसर तो वीडियो में से ही निकलेगा, लेकिन जो आंसर रहेगा वो नॉलेज वाला रहेगा। ओके तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।